वो नड़िया के अंदर संतराम महाराज का मंदिर है जी। उन्होंने राम की तपस्या की थी। अच्छा। तो उन्होंने एक वो हमारे वहाँ रायण बोलते हैं, रायण का पेड़ जो ऐसा पीला पीला मीठा मीठा आता है। अच्छा। उसके अंदर ऐसा कोना था ऐसा बना हुआ, उसके अंदर वो बैठ के पाठ करते थे। अच्छा। रामायण। फिर जब उनका अंत समय आया तब उन्होंने बताया कि मैं जब मेरा अंत समय आएगा तो मेरी यहाँ से जो ब्रह्म तेज निकलेंगे दो। अच्छा। वहाँ दिया तैयार रखे। अच्छा। तो उन्होंने जब अंत समय आया तो यहाँ से दो ब्रह्म तेज निकले और वहाँ दिए जले जो आज भी जल रहे हैं। अच्छा। और आकाश से बड़ी शक्कर जो खड़ी शक्कर बोलते हैं, बड़ी बड़ी शक्कर का बारिश। अच्छा। तो आज भी महाद पूर्णिमा, हमारे यहाँ महामास की पूर्णिमा बोलते, आपके अंदर महाद पूर्णिमा बोलते होंगे। अच्छा। उस टाइम पे अभी अगले महीने पिछले महीने गई तो उस टाइम पे आज भी लोग शक्कर रखते बारिश करते हैं। अभी भी लेकिन वो आकाश से नहीं होती। हाँ। इंसान करते हैं। अच्छा। कृतक से बनाते हैं। बाकी जो नेचुरल हुआ उस टाइम पे हुआ, समय जो हुआ, और उनका फोटो भी नहीं आता है। अच्छा। फोटो में नहीं आता है क्योंकि उस टाइम फोटो घिरा अंग्रेज के सरकारी लोग जो थे अब सभी सब थे लेकिन फोटो भी नहीं आया। जैसा लहरी महाशय थे उनका जैसा सेम ऐसे हो गया, जैसे उनको भी फोटो लेने गए थे वो फोटो नहीं आया, उनका परमिशन के बाद उनको फोटो आया था। अच्छा। तो वहाँ जो भी बड़ा संत बनता है जो मेन बोलते हैं उसको संतराम बोलते हैं। संतराम सफेद कपड़े में होंगे, दूसरे लाल में होंगे, केसरी में होंगे, लेकिन जो मेन संत होगा जो मेन उसको संतराम बोलते हैं। अच्छा। उसको वो कभी फोटो अपना नहीं गिराता है। अच्छा। आज जवानी में जो महंत होते हैं तब गिरा, लेकिन मेन महंत बनने के बाद संतराम बनने के बाद वो कभी फोटो किसी का वीडियो भी नहीं लेने देते। अच्छा। ऐसा है, यानी उन्होंने यही अपनाया कि हमारे गुरु का नहीं आया जैसा वो हम आचरण करना। हमारा
उन्हें तो एक चमत्कार था कि उनका फोटा लिया तो भी आया, फोटो लिया तो भी आया नहीं, लेकिन हमारा भी हमें नहीं लेना देना ऐसा ऐसा। आज वो दूसरा वो मंदिर छोड़ के कभी बाहर नहीं निकलते पूरा, जब जब मेन संत बन गए वो मंदिर छोड़ के कभी नहीं, पूरा जीवन वहीं मरना है, वहीं समाधि लेना है। अच्छा, विचार जो जितना उसका गहरा है मंदिर का बस उतना ही घूमना है। नदियात से कितना लंबा है वो? 5 मिनट का रास्ता। ऐसा नदियात में ही है? नदियात में अंदर ही सिटी के अंदर है। क्या नाम बताए? संतराम। संतराम, संतराम विष्णु सहस्त्र नाम से। यहाँ रोज विष्णु का बात चलता है। हा? रोज विष्णु सहस्त्र शाम को जाना है, शाम को जाना सर। तो मेन जो अभी रामदास महाराज है। अच्छा, अभी वो विष्णु सहस्त्र पाठ रोज शाम को करवाते हैं। रोज रोज डेली पाठ हर दिन होता है? हर दिन। वाह सुंदर। अगर महाराज कभी कोई काम नहीं हो तो अभी पाठ तो चलेगा ही चलेगा। अच्छा, हर दिन रहता है। और सोमवार को श्री मोहिम भी होगा, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ होगा सोमवार, हर सोमवार, हर सोमवार को। और ऐसे रोज का अलग रहते हैं? अच्छा, रोज का विष्णु सहस्त्र नाम ही। अच्छा, सोमवार को दो होते हैं, दो बार होती है, एक विष्णु सहस्त्र नाम और एक श्री मोहिम नाम होते। अच्छा, एक एक बार दोनों होगा। और ऐसे रोज के दो दफा विष्णु सहस्त्र नाम होंगे, एक बार रामदास महाराज खुद बोलेंगे, उसके साथ सब लोग बोलेंगे, और दूसरी दफा उनका जो यहाँ का जो सेवक है वो फिर एक दफा बोलेंगे। अच्छा, हर सोमवार को दो बार विष्णु सहस्त्र नाम? नहीं, विष्णु सहस्त्र एक दफा और एक दफा शिव महिमा। शिव महिमा, शिव महिमा। अच्छा, और रोज का डेली का दो विष्णु सहस्त्र नाम उस दिन डेली, यानी डेली दो होता है। सोमवार को छोड़ के, सोमवार छोड़कर हर दिन दो होता है। सोमवार को शिव का जो स्तुति होती है, सोमवार को शिव की एक स्तुति आ गई, विष्णु का हो गया। अच्छा, और ऐसे दूसरे जो 6 दिन है वो दोनों दफा विष्णु का दो दफा पाठ होगा, एक दफा रामदास महाराज मेन है वो करवाएंगे, दूसरी दफा उनका जो चेला है या सेवक है वो करवाएंगे। नहीं सर, बहुत सुंदर, मुझे बहुत सुंदर स्थान बताया। खाने का भी वहाँ फ्री है। अच्छा, यहाँ तक उनकी सेवा है कि आँख का ऑपरेशन फ्री कर देते वो लोग। अच्छा, कोई भी हो। दूसरा कि रोज वहाँ नड़ियाद की जितनी भी हॉस्पिटल है उसमें दोस्त को खाना जाता है इनका। अच्छा, और वहाँ नड़ियाद मंदिर के अंदर 2 टाइम पे कोई भी आने वाला कोई भी सबको खाना फ्री है, लेकिन टाइम पे जो चलता है वो टाइम के ऊपर पहुँचे तब मिला, तब मिलेगा। सही बात है, फ्री है खाना, हिंदू मुस्लिम कोई भी, कोई भी हो सबके लिए खाना दे। वो शराब पिया है वो इसको भी खिलाते हैं, कितने पीने वाले हो जाते हैं, लेकिन उनके दिल में ऐसा ही है सब। बहुत बड़ा दिल, बहुत बड़ा विचार। ये संतराम महाराज ने जो चमत्कार किया तब से अभी पूरी उनकी 17-18 शाखा है। अच्छा, अगल बगल के नड़िया के अगल बगल में 20-20, 100-100 किलोमीटर के अंदर के ना ऐसे 17 शाखा संतराम नाम से। 170 शाखा, 17 शाखा। ओके, नडियाद के आसपास जो भी है। बहुत उनका मान सम्मान है और बहुत उन्होंने तपस्या की, तो आज ये हुआ है।